तो आपके पास सैमसंग गुरु म्यूजिक 2 है, तो आप अपने जो ब्लॉक लिस्ट का जो नंबर है आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आप पहले मेनू पे ऑप्शन क्लिक कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली नीचे आ जाइए, सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए। ठीक है दोस्तों, सेटिंग्स आने के बाद यहाँ पे सिंपली आप नीचे आना है, आप एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको पहले बार जो ऑप्शन कॉल मैसेज कंटेंट्स कैलेंडर, आपको कॉल पे क्लिक करना है दोस्तों। ठीक है, क्लिक करने पर यहाँ पे देखिए ऑल कॉल्स, वॉइस कॉल, फेक कॉल्स। ओके, तो आपको ऑल कॉल्स है वहाँ पे क्लिक कीजिए। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए शो माई नंबर, ऑटो रिचार्ज, एंसर मोड, आपको दो नंबर वाला जो ऑप्शन है आपको वहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने जिस जिस नंबर ब्लैक लिस्ट में फेंक के रखे है तो उसको पहले आप कैसे रिमूव कर सकते। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे जो टिक है इसको अनटिक कर दीजिए, इसको अनटिक कर दीजिए, ये वाला नंबर है इसको कॉन्टेक्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, एंट्री करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, अब यहाँ पे सिंपली डिलीट कर दीजिए। ये देखिए डिलीट हो चुका है, फिर दूसरे वाला आ जाइए, फिर इसको कॉन्टेक्ट कीजिए। एंट्री करने के बाद यहाँ पे सिंपली आप डिलीट कर दीजिए, फिर तीसरी बार क्लिक कीजिए, आप कॉन्टेक्ट कीजिए। एंट्री करने के बाद यहाँ पे डिलीट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर आप बैक आ जाइए, ऑल कॉल्स पर क्लिक कीजिए, देखिए ऑटो रिजेक्ट पर क्लिक, देखिए कोई भी नंबर आपको रिजेक्ट में नहीं है। इसी तरह से आप अपने सैमसंग गुरु म्यूजिक 2 में ब्लॉक लिस्ट का नंबर आप रिजेक्ट से ब्लॉक लिस्ट बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना।